नमस्कार, एसएन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इसमें सुजानगढ़ के बस स्टैंड स्थित सत्यम होटल का दृश्य आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सरपंचों की एक बैठक का आयोजन किया गया है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम पत्रकारों को इन्वाइट किया गया है। और इसमें सरपंचों ने 8 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन तैयार किया है, जो सरकार तक पहुँचाया जाएगा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में और किसानों की बहुत सारी समस्याएँ हैं, उन पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया जाएगा। और साथ में यहाँ पर उन्होंने एक तस्वीर बाबा जी की लगाई, जिसमें हमारे राजस्थान के सामाजिक न्याय अधिकार मंत्री मास्टर भवनलाल मेघवाल जी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाएगी, एक पाठ भी किया जाएगा। आइए कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। सुजानगढ़ के सत्यम होटल में आज सरपंचों के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। मालासी सरपंच विश्वजीत के नेतृत्व में 8 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन बनाया गया है, जिसमें सरकार से किसानों के हित में कुछ मांगें की गई है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले राजस्थान के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री मास्टर भवनलाल मेघवाल के अच्छे स्वास्थ्य की कामना से बालाजी का पूजन किया जा रहा। आज हमने 8 सूत्रीय मांग लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय, पंचायती राज मंत्री जी के समक्ष हम हमारी बात पेश करना चाहते हैं। जो सरपंच गणों को धरातलीय स्तर पर जो समस्याओं का देखने को मिल रही हैं, जो उनके ग्रामीण विकास करने में बाधाएं पैदा हो रही हैं, उनको हम उप मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाने के लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसके अंतर्गत हमारी सबसे महत्वपूर्ण और प्रथम मांग है पंचायत ई टेंडर। जो ब्लॉक स्तर पर ई टेंडर करवाने की प्रक्रिया माननीय महोदय द्वारा विचार विमर्श किया जा रहा है, उसके अंतर्गत एक ठेकेदार द्वारा संपूर्ण पंचायतों को सामग्री पहुंचाना कतई संभव नहीं होगा। उक्त परिस्थिति में ठेकेदार द्वारा सब टेंडर किए जाएंगे, जो पूर्णतः भ्रष्टाचार से लिप्त होंगे। ऐसी परिस्थिति में पंचायती राज व्यवस्था में ये टेंडर प्रक्रिया एक काला धब्बा साबित होगी। इसलिए हम लोग ये कहना चाहते हैं कि ई टेंडर की जो प्रक्रिया है, उन्हें पंचायत स्तर पर ही करवाया जाए, क्योंकि सरपंचों के समक्ष ठेकेदार पूरा देख रेख में कार्य करेगा और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्य किया जाएगा। दूसरी जो मुख्य प्रक्रिया है, जो मुख्य समस्या है, वो प्रधानमंत्री जनावास की जो ग्राम सभा की बड़ी मीटिंग होती है, जिसके अंतर्गत 250-300 लोगों की तकरीबन ग्राम सभा की प्रत्येक पंचायत में कम से कम मीटिंग बुलाई जाती है, उसको कोरोना काल को देखते हुए एक सीमित स्तर पर, सीमित लोगों के स्तर पर पंचायत में संभव करवाया जाए, ताकि जो प्रधानमंत्री आवास के पात्र हैं उनका हम निर्धारण कर सकें और उन्हें जल्द से जल्द प्रधानमंत्री आवास प्रदान किए जा सकें। तीसरी समस्या खारे पानी की समस्या है। चूरू जिले में लगभग संपूर्ण बेल्ट चूरू से राजगढ़ से लेकर नोखा तक खारे पानी का बेल्ट है। इस बेल्ट के अंतर्गत जो लघु किसान हैं, उनके पेयजल की भयंकर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो लघु सीमांत कृषकों को लाभान्वित करने के लिए नरेगा और जल स्वावलंबन योजना के तहत कुंड की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था प्रदान की जाए। चौथी हमारी समस्या है खाद्य सुरक्षा के नाम सरकार द्वारा पूर्व में भी जोड़े गए हैं, आगे भी जोड़े जाएंगे। कोरोना संक्रमण के काल के दौरान खाद्य सुरक्षा की जो मुख्य वेबसाइट है वो बंद कर दी गई है। इसके अंतर्गत जो बीमार लोग हैं, जो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत नाम जुड़वा कर निःशुल्क उपचार प्राप्त कर पाते थे, वर्तमान में भामाशाह व्यवस्था बंद कर दी गई है सरकार द्वारा। उस परिस्थिति के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वा कर वो लोग निःशुल्क उपचार प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में खाद्य सुरक्षा के नाम पुनः प्राप्त कर दिए जाएं। DMFT जो प्लान है वो दीदी बताएंगे, इनके खनन का क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा पंचायत राज की जो महत्वपूर्ण कड़ी है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर करने की अत्यधिक आवश्यकता है। पंचायत राज नियम 65 के तहत हमें कुछ टैक्स लेने की हमें अधिकार दिए हैं, पर वे इतने अप्राप्त अधिकार हैं कि हम उनसे टैक्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कम महसूस होते हैं। इसका दायरा राज्य सरकार द्वारा हम मंशा करते हैं कि इसका दायरा बढ़े। DMFT जिन पंचायतों से प्राप्त होता है राशि, उन पंचायतों, प्रभावित पंचायतों जो खनन क्षेत्र से प्रभावित हैं, वहाँ पर उनके विकास के लिए कार्य किया जाए, न कि पूरे ज़िले में DMFT का
जो है वितरण किया जाए। इसके अलावा जो टिड्डी दल है जो अभी सुजानगढ़ के आसपास पूरे पंचायती क्षेत्रों में इसका प्रभाव है, जिसके दुष्प्रभाव से सारे किसान चिंतित हैं, इन किसानों की चिंता दूर करने के लिए पंचायतों को प्रभावी बनाया जाए, पंचायतों को इस प्रकार से प्रभावी बनाया जाए कि COVID-19 में जिस प्रकार से सरपंचों ने अपने स्वयं के जितने उनके साधन हैं उन साधनों से उन्होंने ग्रामीण परिवेश की सुरक्षा की है, न केवल प्रदेश में देश में देखने में आया है, तो पंचायतों को आत्मनिर्भर सुदृढ़ बनाने का कार्य किया जाए। पुनः पंचायतों के लिए जो अनटाइड फंड है उसकी शुरुआत की जाए, जो पहले कांग्रेस सरकार ने की थी। इसके अलावा आंगनबाड़ी के अधिकार सरपंचों को दिए जाए, तमाम जो पांच विभागों के अधिकार पहले दिए गए थे उन्हें पुनः दिया जाए, रास्तों के नियमन के अधिकार सरपंचों को दिए जाए, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में किसानों के साथ ग्रामीण अंचल में ग्रामीणों के साथ में सरपंच हर मुसीबत में उनके सामाजिक आर्थिक हर दृष्टिकोण में उनके साथ खड़ा होता है, तो इस कड़ी को मजबूत करने की जबरदस्त आवश्यकता है। आज हमारे द्वारा ये जो कॉन्फ्रेंस रखी गई है इसमें मेरे से पूर्व 8 सूत्री मांगों पे सुविता जी सरपंच गोपालपुरा एवं मालासी सरपंच विश्वजीत जी ने पूरी बात बता दी। मेरा तो राज्य सरकार से एवं हमारे लाडले मुख्यमंत्री सचिन जी पायलट से एक ही निवेदन है कि कोरोना काल में जो ग्राम पंचायतों को मास्क सैनिटाइज हेतु 50,000 रुपये दिए गए थे वो ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर है, तो कम से कम 2,00,000 रुपये ग्राम पंचायत को दिए जाएं तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। यही निवेदन राज्य सरकार से। और एक पीछे सुविता जी ने बोला डीएमएफटी जो फंड है वो जिस ग्राम पंचायत में खनन व्यवसाय चालू है वहाँ से राज्य सरकार को रॉयल्टी मिलती है, उस रॉयल्टी का कुछ हिस्सा डीएमएफटी में जाता है, तो उस ग्राम पंचायत के जो गांव है और ग्राम पंचायत वो जो वातावरण वहाँ का खनन का जो दूषित वातावरण है तो वो प्रभावित तो वही ग्राम पंचायत है, तो कम से कम हम राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि डीएमएफटी का जो फंड है वो पहले उस ग्राम पंचायत में दिया जाए जिस ग्राम पंचायत से खनन की रॉयल्टी जा रही है, और उसके बाद में कोई एक्स्ट्रा हो तो दूसरी पड़ोसी ग्राम पंचायत को दे दिया जाए या जिले में दे दिया जाए, सर्वप्रथम अधिकार जो है उसी ग्राम पंचायत का बनता है। एवं जो ग्राम पंचायत की निजी आय बढ़ाने की जहाँ तक बात है, ग्राम पंचायत की निजी आय बढ़नी चाहिए, जो नियम पंचायत राज एक्ट नियम 60 जो है उसमें 65 जो है उसमें ग्राम पंचायत को कुछ अधिकार दिए हैं जिसमें ग्राम पंचायत कर लगा सकती है, जिसमें ये खनन भी है, जिसमें जिस ग्राम पंचायत में खनन कार्य किया जा रहा है उसमें कर लगा सकती, उसमें बहुत ही कम है, और वो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने हेतु वो पूर्ण अधिकार देने चाहिए। आज बिदासर और सुजानगढ़ पंचायत समिति के सरपंचों ने हम सब ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और हमारे पूर्व वक्ता सरपंच साथी सुविता जी राठी विश्वजीत जी कसवा और कन्यालाल जी शर्मा ने जो बातें बताई उसी को इंगित करते हुए हमने 8 सूत्री मांग पत्र हमारे लाडले मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब को प्रेषित किया है, और अनेक जो समस्याएं हैं 8 समस्याएं उनको पूर्व वक्ताओं ने बताया। अभी जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा समस्या चल रही है वो टिड्डी दल का प्रकोप जो पूरे राजस्थान में फैल रहा है, एक बहुत बड़ी विकट परिस्थिति में किसान आज के टाइम में जी रहे हैं। एक तरफ कोरोना का संकट काल, दूसरी ओर टिड्डी का प्रकोप, आए दिन हम देखते हैं कि टिड्डी इतनी ज़्यादा हो रखी है कि एक गांव के अंदर दिन के अंदर 3-4 बार टिड्डी आ रही है, और प्रशासन को बार बार अवगत करवाया जा रहा है, प्रशासन भी अपने हिसाब से लगा हुआ है, लेकिन टिड्डी का प्रकोप जो है वो इतना ज़्यादा है कि बहुत ही ज़्यादा किसानों की हालत ख़राब है। हम मुख्यमंत्री महोदय से हम सब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये ज्ञापन देना चाहते हैं कि किसान सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है इस समाज में, और किसान पर जो ये प्रकोप जो चल रहा है टिड्डी का, इसके ऊपर जितना हो सके संसाधनों की व्यवस्था की जाए,
और जितना ज़्यादा हम किसानों को बचा सकें और जितने ज़्यादा इसमें हम सहभागी कर सकें उतना बहुत बहुत धन्यवाद होगा उनका। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि टिड्डी का कपोर जो जिस हिसाब से फैल रहा है, मुख्यमंत्री महोदय से हम पुनः अवगत कराना चाहते हैं कि किसानों को राहत प्रदान करने की कृपा करें। सुजानगढ़ के होटल सत्यम में आज यहाँ पर सरपंच गणों की एक मीटिंग, यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार के सामने वर्तमान समस्याओं के 8 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, जो सरकार को भेजा जाएगा। आप देख रहे हैं एक बड़ी संख्या में लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा सरपंच यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी है। कुछ और सरपंच है जिनसे मैं जानना चाहूँगा कि इसके अलावा और कौन सी समस्याएं जो सरकार के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। विकास जी मेरे साथ है, विकास जी क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार सभी सम्मानित सरपंचों ने 8 मांग सूत्रीय मांग पत्र राज्य सरकार के समक्ष रखा और उसके अलावा भी एक दो समस्या है जो ग्रामीण समस्या के रूप में भारी ग्रामीणों को समस्या हो रही है, जैसा कि नरेगा के अंदर उसके अंतर्गत अनेक प्रकार के कार्य हो रहे हैं, राज्य सरकार द्वारा संचालित हो रहे हैं, तो उनमें एक तो पंचायत में साफ सफाई के लिए कर्मचारी हैं उनकी भी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा आदेश निकाल कर नरेगा के तहत करनी चाहिए। और जैसा कि सभी को जानकारी के अनुसार ये है कि नरेगा के अंदर कुंड निर्माण का जो कार्य अभी चल रहा है वो राज्य सरकार द्वारा BPL और SC के लिए निर्माण कार्य नरेगा के अंतर्गत कुंड निर्माण हो रहे हैं, तो मेरी यही मांग है कि जो लघु और छोटे किसान हैं उनको भी इस नरेगा के अंतर्गत कुंड बनाने का जो ये लाभ है वो मिलना चाहिए। और मेरा अनुरोध यही है कि राज्य सरकार इस बिंदु पर चर्चा करके और लघु और सीमांत किसानों को नरेगा के अंतर्गत कुंड निर्माण की स्वीकृति देकर राहत प्रदान करें। आप क्या कहेंगे? मैं राज्य सरकार से ये कहना चाहूँगी, जो पिछली गवर्नमेंट की जो दानियों की स्कीम थी बिजली कनेक्शन देने के लिए, वो अभी पीछे 1.5-2 साल से बंद पड़ी है। मेरा आग्रह रहेगा राज्य सरकार से, आदरणीय मुख्यमंत्री से, कि भी दानियों में जो गरीब किसान बेटा उनको भी एक लाइट की या बत्ती की व्यवस्था की जाए। मैं एक सवाल करना चाहूँगा मैडम से, गोपालपुरा सरपंच सविता जी राठी मेरे साथ है। मैडम, आपने बहुत सारी समस्याओं की बात यहाँ पर की, अक्सर हमारे पास काफ़ी गांव से फोन आ रहे हैं, वर्तमान में जो राशन जो बांटा जा रहा है उसमें बहुत सारे गांवों से शिकायत आ रही है, तो इस पर आप तो बहुत सक्रिय नेता हैं, तो इस पर आपने कुछ विचार किया? राशन सामग्री में जिस प्रकार से हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने जो खाद्य सुरक्षा में परिवार वंचित रहे हैं, उन वंचित परिवारों की बहुत सारी कैटेगरीज बनाकर उन्हें राशन 2 महीने के इस COVID-19 के समय को देखते हुए इस प्रकार का कार्यक्रम किया है, लेकिन चूंकि बहुत कम समय में ये सर्वे हो पाया और बहुत कम समय में ये ऑनलाइन की जो व्यवस्था है उसके तहत इसमें कुछ मजबूरियां रहीं, आने वाले समय में पुनः सरकार विचार करके इसे और अधिक सुगम तरीके से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, ताकि जो वंचित परिवार हैं, जो हमारे अप्रवासी मजदूर हैं, जो और भी कई तरह के अकुशल कारीगर हैं या ऐसे ऐसे उन्होंने लिए हैं, जिस प्रकार से जो पुजारी जिनका काम बंद हो गया, जो होटल में के कर्मचारी हैं, इवेंट के जो कर्मचारी हैं, टेंटेज हैं, ऐसी ऐसी कैटेगरीज माननीय हमारे जो संवेदन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी की जो जोड़ी है, उन्होंने सिर्फ एक राजस्थान राज्य ऐसा है जिसमें कि इन्होंने ये कार्य किया है। किसी भी कार्य करने में कुछ कठिनाइयां हो सकती है, जिसके सुगमता के लिए मुख्यमंत्री महोदय विचार विमर्श कर रहे हैं, हम देखेंगे आने वाले समय में कि पुनः इसकी सुगमता के साथ उन परिवारों तक पहुँच हो पाएगी। कार्यक्रम का शुभारंभ आपने मंत्री जी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए बालाजी से प्रार्थना करके किया, आपको लगता है कि उनके बीमार होने से भी काफी हद तक क्षेत्र के कार्य प्रभावित हुए? बिल्कुल, एक ऐसे हमारे नेता जिनकी आवाज़ में ही विकास है, जिनकी आवाज़ में अपना जो समय है वो उस समय को बांध कर रखने में सक्षमता के साथ में हमेशा सुजानगढ़ की इस धरती को आगे बढ़ाने में सक्षम रहे, ऐसे नेता की अनुपस्थिति में लेकिन हमें इसलिए उन्होंने इतना हमें ट्रेंड कर दिया है कि इस समय में भी हमारी उनकी जो पूरी टीम है वो टीम कार्य कर रही है और उसी प्रकार से डटी हुई है ये टीम जनता के लिए, जनता के हितों के लिए कार्य कर रही है। हालांकि मंत्री महोदय का स्वास्थ्य निरंतर सुधार पे है, हमने अभी हनुमान चालीसा कर माननीय बालाजी से हमने प्रार्थना की है कि वे शीघ्र ही उन्हें पुनः उसी स्थिति में हमें लाकर दे कि आने वाली पीढ़ी के लिए जो कार्य उन्होंने अपने सपने में संजो रखा है, उन्होंने दिवा स्वप्न देखा है आने वाली पीढ़ी के लिए, वो कार्य वो वापस अपने हाथों से कर सके। हमें विश्वास है 100%, चूंकि अब डॉक्टर्स भी ये कह चुके हैं कि ये 100% उसी प्रकार से ठीक हो जाएंगे जैसे पहले थे और उसी प्रकार से दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ और उस विश्वास पर खरे उतरेंगे जो जनता ने उन्हें चुनकर अपने बीच में लाकर दिया था।
एक और सक्रिय सरपंच, मैं एक कमेंट लेना चाहूँगा कन्हैया जी आपसे, एक सवाल करना चाहूँगा कि हालांकि इससे आपके क्षेत्र से ऐसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन विदासर क्षेत्र से बहुत सारे लोगों की कॉल आते हैं कि जो नरेगा का कार्य हो रहे हैं उसमें बहुत सारी अनियमितताएँ देखने को आ रही है, इस पर आप सरपंचों ने कोई विचार मिनिस किया? देखिए, वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में जो नरेगा का जो कार्य चल रहा है वो हमारे सीनियर जो नेता है हमारे से सीनियर उनके देख रेख में चल रहा है, और अपने चूरू जिले के कलेक्टर साहब है वो बहुत ही अच्छे हैं, उनकी देख रेख में कार्य हो रहा है, और मेरे हिसाब से कोई नरेगा में गलत काम नहीं हो रहा, सही काम चल रहा है, नरेगा अच्छा कार्य चल रहा है। अभी तो चूरू ज़िले में सुजानगढ़ तहसील एक नंबर पे है, जितनी लेबर चूरू ज़िले में लगी है सुजानगढ़ तहसील में सबसे ज़्यादा लगी हुई है, और राजस्थान में पिछले एक महीने से राजस्थान जो है वो मेरे हिसाब से भारतवर्ष में राजस्थान एक नंबर पे है नरेगा में जो श्रमिक लगे हुए हैं वो, और यहाँ जो टास्क का जो काम है लेबर काम अच्छा कर रही है, और उस हिसाब से टास्क के हिसाब से पेमेंट भी अच्छा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, यह था हमारा खास कार्यक्रम आज यहाँ पर होटल सत्यम ने सरपंचों के द्वारा एक यहाँ पर बैठक आयोजन किया गया, जिसमें 8 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन मुख्यमंत्री तक पहुँचाया गया, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मुख्य समस्याएं ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के सामने जो मुख्य समस्याएं रही उन तमाम समस्याओं को इस ज्ञापन में शामिल किया गया है, और उम्मीद है कि ये जो प्रयास सरपंचों का है वो जब सरकार तक पहुंचेगा तो लोगों की समस्या दूर होगी, इस बात की हम पूरी उम्मीद करते हैं, क्योंकि कोरोना के काल में जिस तरह से लॉकडाउन के बाद में ग्रामीण क्षेत्र में किसानों पर जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों पर जो संकट है उसको दूर किया जा सकता है, और ये निश्चित रूप से एक सराहनीय प्रयास था। ऐसी अनुसूचना के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।